तुम उसके दे देना लड़के के नोट जी। क्यों अब हमारे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं? बस यहीं से सर नीचे बैठे, नीचे होके बैठो, नीचे बैठ जाओ जी। क्यों अब हमारे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं रहेगी सत्तर? तुम्हारे बीवी बच्चों को तो दोबारा से क्यों जी अब हमारे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं रहेगी सत्तर? तुम्हारे बीवी बच्चों का तो रवैया पहले हमारे साथ ठीक नहीं था, हर फैजान उसने तो आज हद ही कर दी। क्या मेरे बेटे का क्या ये सिला बनता है मेरे बेटे की ईमानदारी से काम करने का? सर यही चाहिए। क्यों अब हमारे यहाँ रुकने का कोई क्या थी बनाएंगे? अब हमारे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं है। हाँ, जब नहीं करती। जी अब हमारे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं रहेगी। तुम्हारे बीवी बच्चों का रवैया तो पहले हमारे साथ ठीक नहीं था और अब फैजान उसने तो हद ही कर दी। क्या मेरे बेटे के काम का सिला ये बनता था? इसकी ईमानदारी का ये सिला दिया उसने? अरे मेरे बच्चे तो पहले यहाँ रहना नहीं चाहते थे, वो तो मेरी वजह से मेरे कहने पर रुके और मैं सारी जिंदगी तुम्हारी इज्जत करती रही, जो बर्दाश्त किया ना तुम्हारी वजह से किया। लेकिन क्या एहसानों का बदला किसी की इज्जत उतार कर थोड़ी लिया जाता है? क्यों लेकिन किसी के एहसानों का बदला उसकी इज्जत उतार कर नहीं लिया जा सकता। ऐसा मत कहें आप, और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, सख्त शर्मिंदा हूँ। फैजान ने जो कहा मैं वैसा मरकर सोच भी नहीं सकता। राजी पर मुझे खुद से ज्यादा एतमाद है और हादिया वो मासूम बच्ची। हाँ हाँ तुम तो सोच भी नहीं सकते थे लेकिन अपने बेटे को मना नहीं कर सके ये सब कुछ करने के लिए। करने से अजय तुम तो सोच हाँ तुम सोच नहीं सकते थे लेकिन मगर अपने बेटे को कहने से रोक भी ना सके। चल क्यों हाँ तुम तो सोच भी नहीं सकते लेकिन अपने बेटे को मना नहीं कर सके उसे ये सब कुछ करने के लिए। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। बस बस अब हमें मत रोको, जाने दो हमें। सारी जिंदगी तुम्हारे एहसान को मानते रहेंगे। क्यों अब हमारे यहाँ रुकने की कोई वजह ही नहीं रहेगी शीना? तुम्हारे बच्चों का रवैया तो पहले हमारे साथ ठीक नहीं था और अब फैजान उसने तो हद ही कर दी। क्या मेरे बेटे का यह सिला बनता है उसकी ईमानदारी से काम करने का? मेरे बच्चे तो पहले यहाँ नहीं रहना चाहते थे, वो तो मेरे कहने पर मेरे हुक्म पर रुके और मैंने जो कुछ भी बर्दाश्त किया ना सत्तर सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया। लेकिन किसी के एहसानों का बदला उसकी इज्जत उतार कर नहीं लिया जा सकता। लेकिन अपने बेटे को ये सब कुछ करने से मना नहीं किया। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बस बस अब हमें मत रोकना, अब हमारा यहाँ से जाना ही ठीक है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे एहसान को माना है लेकिन खुदा के वास्ते अब हमें इतना जलील मत करवाओ कि हम अपनी नजरों में गिर जाए। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुश आबाद रखे। बस हमें जाने दो यहाँ से। बस मैं मानता हूँ कि निजाम ने जो कहा वो गलत कहा लेकिन बेटा मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ प्लीज क्या कर रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल मत करें आप प्लीज। लेकिन बाबा साहब की चलते हैं जिनका काम से माफी मांगता हूँ प्लीज। मैं कुछ करना है कुछ
मसले का हल। बताओ क्या है उसके पास? क्या है उसके पास?